सो बेसिकली शी वॉज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई प्रॉब्लम, एंड यूटीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बट शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल टू टेल एनी वन. बट जब उसने मुझसे शेयर किया, आई टोल्ड हर इट इज नॉर्मल एंड शी न्यू आई नो अबाउट द हेल्थ केयर एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर बिकॉज आई हैव दिस यूट्यूब चैनल एंड वो थोड़ा बहुत फॉलो कर लेती है जो भी उसकी यूजफुल की वीडियोज होती है मेरे चैनल में, तो वो देख लेती है. एंड शी इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड. सिर्फ 20 की एज में से यूटीआई की प्रॉब्लम थी. सो अगर आप जानना चाहते तो कि यूटीआई की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या पता वो प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव्स में वो फेस कर रहे हो, बट वो ये शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है गर्ल्स को. यूटीआई प्रॉब्लम क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है विद प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो, इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे. डू नॉट स्किप द वीडियो. Everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति. So in this video, I am going to cover another important topic with you. अपने intro में and मेरे title में तो जरूर देख लिया होगा कि मैं आज आपके साथ UTI problem क्या होता है इसका पूरा detail आपके साथ share करूंगी, plus इसका solution with proof आपके साथ share करूंगी. Because जो भी मैं problem आपके साथ share करती हूँ with solution, तो उसका मैं खुद से experience लेके ही आपके साथ share करती हूँ. या तो वो मेरा experience based video होता है, या फिर मेरे किसी nearest या फिर closest one का वो review होता है या फिर experience होता है. तो बेसिकली आज मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, बट आप मेरी फ्रेंड बोल लो, नेबरहुड बोल लो या फिर मेरे रिलेटिव्स में बोल लो, बट शी वाज नॉट अग्री टू टेल हर नेम इन द वीडियो. बट उसका जो एक्सपीरियंस रहा है यूटीआई प्रॉब्लम का प्लस उसके सॉल्यूशन का ना, तो वो शेयर करना तो बनता है. सो यूटीआई काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है. तो यूटीआई होता क्या है एक्चुअली, एंड काफी सारी गर्ल्स या फिर लेडीज इस प्रॉब्लम को फेस करी बट उनको इसका नाम ही नहीं पता है. तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाली. सो द फुल फॉर्म इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो ये विमेन में इतना ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है. जब आप यूरिन पास करते हो या फिर आप टॉयलेट जाते हो ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ना पेन, इरिटेशन, जलन महसूस होती है, तो उसे कहते हैं यूटीआई. करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है ना कि वुमेन्स में ना बहुत सारा पेन, बहुत सारी टेंशन एंड बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बट अब नहीं. पहले लैक ऑफ नॉलेज था, कि पहले नॉलेज ही नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा. बट अब सोशल मीडिया की वजह से ना काफी सारी नॉलेज गेन करने को मिल जाती, बट मेक श्योर आप फेक नॉलेज ना लेने. तो बस मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि अब आपको इस पेन से राहत मिलने वाली है. एंड मैं यहाँ पर आपको एक कड़वा सच बताने वाली हूँ कि 50% से भी ज्यादा जो वुमेन होती है ना, उनको अपनी लाइफ में एक ना एक बार ना ये यूटीआई की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. इट मींस जब वो यूरिन पास करती है तो वहां पर उनको इरिटेशन जरूर होती है. काफी सारी वुमेन ये शेयर करने में या फिर ये चीज एक्सेप्ट करने में ना काफी ज्यादा एम्बेरस होती है कि ये चीज उनके साथ हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा हेजिटेट होती है कि ये चीज उनके साथ हो क्यों रही है. सो बेसिकली वुमेन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसे यूटीआई कहते हैं. जैसे यूरिन पास करते टाइम इरिटेशन होना, ब्लीडिंग होना. सो मेरी फ्रेंड कुछ इस तरीके की चीजें फेस कर रही थी, उसको यूरिन पास करते टाइम थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था, तो वो पहले शेयर नहीं करना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली वो एम्बेरस थी कि ये चीज उसके साथ क्यों हो रही है. जब उसने मुझसे शेयर किया तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे थी कि यूटीआई होता क्या, यूटीआई के नाम से मुझे पता चल रहा था कि यूरिन पास करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जब उसने मुझे बताया, उसने मतलब कुछ सॉल्यूशन हो तो यार बता देना, तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया कि कैसे मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है. तब मुझे जाके पता चला क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी पाउडर, क्रैनबेरी के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब औषधीय निचोड़ जो होता है ना, वो इस प्रॉब्लम का एक पॉपुलर रेमेडी के लिए काम आता है. तो ऑटोमेटिकली यूटीआई का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा. इतना सारा सर्च किया मैंने उसके लिए, एंड फाइनली आई चोज दिस प्रोडक्ट फॉर हर. दिस इज शीक न्यूट्रिक्स हैप्पी नेचुरल यूटीआई मैनेजमेंट. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसीलिए आपको पहले ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है, वहां पर आपको काफी सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी. एंड मेक श्योर मेरा गिव अवे जो रूल्स हैं वो भी आप फॉलो जरूर करिएगा. इस मैं यहाँ पर गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ मई 2021 को. आई गेव दिस प्रोडक्ट टू हर, मैंने उसे कहा था कि इसे 20-30 डेज तक यूज करना, उसके बाद वापस आना. आफ्टर 20 डेज जब वो वापस आई तो उसने मुझे इसका रिव्यू शेयर किया अपने एक्सपीरियंस के साथ. उसने कहा कि इस प्रोडक्ट को वो दोबारा से बाय करना चाहती है. उसका एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा गया. आई वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज उसके लिए ये प्रोडक्ट एक ही बार में वर्क कर गया. इट मीन्स उसका इरिटेशन का, ब्लीडिंग का या फिर वो जलन वाला जो फेस चल रहा था ना, वो रिकवर हो गया. देन आई थॉट व्हाई नॉट मैं इसे आपके साथ शेयर करूं. अगर आप लोगों में से भी कुछ के भी अगर काम आती है ये वाली वीडियो, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है, एंड जब मुझे ये रिसीव हुआ था तो ये कुछ इस तरीके का था. काफी ज्यादा क्यूट लगता है, तो कुछ इस तरीके से इसे ओपन करना है.
इसके अंदर मेरा ये वाला प्रोडक्ट है। मिनी मिनी सी बॉटल है एंड इसके अंदर ये कुछ इस तरीके की बॉटल्स हैं, जो भी इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम में, उसको प्रिवेंट करता है, पेन से रिलीफ देता है, क्लेंस करता है। एंड जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनको ये वाली प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है। एंड इट हैज क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट, डर्मेटोलॉजिस्टिक अप्रूव्ड, 100% वीगन, इट मींस वेजिटेरियन, जेंटल ऑन स्टमक, आपका रेसबेरी का टेस्ट आता है। इसका जो नेम है, कैन यू सी दिस, HAPPEE, हैप्पी, इट मीन्स ड्यूरिंग पी आपको ये हैप्पी रखता है, कोई भी इरिटेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन आपको फील नहीं होती। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूजफुल लगता है, आप इसे लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना है। बिकॉज आप लोग क्या पूछते हो कि ये प्रोडक्ट हम कहाँ से बाय करें, कहाँ से बाय करें, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर मैंने आपको रिव्यू या फिर एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे ही उसका लिंक आपको देखने को मिलेगा, अगर आप वहां से बाय करते हो तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो मेक श्योर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी देती हूँ, प्लस मेरे गिव अवे के जो रूल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। बहुत सिंपल बेसिक से रूल्स हैं, वो आप जरूर फॉलो करिएगा। एंड मई 2021 को मैं विनर अनाउंस करने वाली हूँ।